भाभी जी घर पर हैं। हम सब लोगों को तुम्हारे ऊपर गर्व है गो। थैंक यू। मरने के बाद तुम्हारा पुतला लगवाएंगे हम। ये मेरा हस्बैंड वीर है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अभी आई एम प्राउड ऑफ यू होता है। सही पकड़े हैं। यक चतुर नाद करके। अरे वही बहुत ही मशहूर और मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर हैं जलील चौधरी। और आने वाले कल में मेरा एक गाना ऐसा सुपर हिट होने वाला है और जिस गाने के गाने वाले हो। ये चल रहे हाथ से हाथ मिला क्लैपिंग मांगता है अपने को बाबा रे ले। सेट साउंड म्यूजिक आओ। गुड, क्या कर रहे हो? फील। सेट साउंड म्यूजिक आओ। गधे, मैं कितनी बार तुझे बोल रहा हूँ लेकिन तेरे दिमाग में ये बात आ क्यों नहीं रही है? गधे की तरह रेंगते जा रहा है, रेंगते जा रहा है, बस रेंगते जा रहा है। सुबह सुबह बीवी से पिट के आया क्या तू? कानपुर के पब्लिक के दिल में जो इज्जत वो भरभूति जी के लिए है ना, वो आपके लिए ना ही है। वो अपने गाने से लोगों का दिल बहलाते हैं और आप लोगों को अपना घटिया क्वालिटी का कच्चा बनियान पहनाते हैं। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूंगा अपनी माँ को, माँ। और उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूंगा, शी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, हमारी पड़ोसन भाभी जी को। लेकिन क्या आप हमारे घर पर ना आएंगे दिनार पर? भाभी जी, ऑफ कोर्स हम आएंगे। भाभी जी अपनी मधुर आवाज में गीत प्रस्तुत करेंगी, शांति से सुनिएगा। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। हेलो फैंस, तुम गाना वाना गा रही थी? हाँ, बस ऐसे ही। I feel sorry for them, you know. इधर 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 इधर, रंग छोड़ रहा है बे तू। हम आपसे बहुत नाराज हैं, आप इतना लेट काहे आया? अभी देखिए, फैंस ने कितना परेशान कर रखा है मुझे। मैं अपने घर से निकला था लेकिन वहां से यहाँ आने मुझे 45 मिनट लग गए। देखो आजकल नया ट्रेंड चला है, पहले ग्रुप पिक्चर, फिर सोलो, फिर सेल्फी। भाभी जी, इट टेक्स टाइम, यू नो। अजी हुजूर, लेकिन हम तो आपका गाना सुनने के लिए आए हैं। I'm sorry, मैं पर्सनल महफिलों में नहीं गाता। I'm sorry. सुना दीजिए ना। अनुगारी है ना, भी सुनाओ सुनाओ। पहले ये स्ट्रगलिंग जो सिंगर्स हैं, पहले गाने दीजिए। अच्छी, मेरा मूड बनेगा तो मैं गाऊंगा। ना ना भैया, भाभी जी तो पका रही है। अबे विभूति, सुना ना, भाव क्या खा रहा है? स्टार क्या बन गया? कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। मान यार, अजी सुना दीजिए ना। कम ऑन यार, मेरा मूड नहीं है अभी गाने का यार। व्हाट आर यू टॉकिंग? भैया सुनाइए ना भैया, वन मोर भैया, सुना दो भैया, एक बार सुना दो भैया। विभू इतना कह रहे हैं तो सुना दो ना। एक्सक्यूज मी प्लीज अनु, प्लीज। एक आर्टिस्ट का मूड होता है, मेरा मूड नहीं है अभी तो नहीं गाऊंगा, बात खत्म हुई। व्हाई यू इंसिस्टिंग यार? सुना दीजिए ना भरभूति जी, प्लीज। भाभी जी, आप इतना स्टार कर रही हैं तो आपको मना नहीं करूंगा। मैंने वादा भी किया था आपसे क्या से। एक्सक्यूज मी, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। थैंक यू सो मच मीनल। बस यार, ये तो सब तुम्हारी दोस्तों की दुआ है।
हाँ यार, फैंस का प्यार देख के ना तो मुझे इतनी खुशी होती है, मैं ना बयान ही कर सकती। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ क्या करूँगी ग्रूमिंग क्लासेस का। तो देखना, इतनी रिकॉर्डिंग्स हैं, इवेंट्स होंगे। तुझे मालूम है वो राधे श्याम चाट वाला है ना, उसने ना मुझे रिबन कटिंग के लिए बुलाया है। अच्छा है ना, फ्री में चाट मिल जाएगी, तू भी आ जा। और वो छन्नो ब्यूटी पार्लर, हाँ हाँ, उसकी नई ब्रांच खुल रही है, उन्होंने तो मुझे ना फेशियल का फ्री पैकेज भी दिया है। यार बड़ा बिजी दिन चल रहा है। अच्छा सुन ना, मैं ना तुझे बाद में कॉल करती हूँ। चल ओके ओके, बाय बाय। अरे बिबू तुम कब आए? कमाल, तुम्हारे दिमाग पर कामयाबी का इतना नशा छाया हुआ है कि तुम्हें हम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो बिबू, मैं बात कर रही थी ना मीनल से, मेरा ध्यान नहीं गया। होता है होता है, जब इंसान को उसकी एबिलिटी से ज्यादा सक्सेस मिल जाती है ना तो होता है। उस सक्सेस से जो चकाचौंध होती है ना उसकी, उससे उसका मानसिक संतुलन जरा हिल जाता है। Excuse me. तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरा मानसिक संतुलन हिल गया है? मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ, क्योंकि जब इंसान को एकदम से इतना कुछ मिल जाता है और वो भी उसकी जो एबिलिटी है उससे कहीं ज्यादा, तो ऐसा होता है। ये क्या तुमने एबिलिटी से ज्यादा लगा रखा है? मैं इतना बुरा गाती हूँ? हाँ, तुम मुझे बार बार इसी बात का एहसास दिलाते रहते हो। अगर मैं इतना बुरा गाती ना तो मुझे चांस नहीं मिलता, जलील चौधरी अपना गाना नहीं गवाते मुझसे। देखा कैसा घमंड साफ निकल के बाहर आ गया। एक्सक्यूज मी, जिसे तुम्हारी सिफारिश की, तुम्हारा नाम रिकमेंड किया, तुमने उसे क्रेडिट नहीं दिया, सारा क्रेडिट खुद ही खा गई। देखो तुम जल रहे हो मेरी सफलता से। मैं क्यों जलूंगा तुम्हारी सफलता से यार, मैं खुश हूँ तुम्हारी सफलता से, आई एम हैप्पी फॉर यू। माफ करना, तुम किसी भी एंगल से खुश नहीं नजर आ रहे हो। तुम्हें तो मैं ही नजर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे जो जहन पे जो कामयाबी का जो गुरूर है उसका नशा है, वो छाया हुआ है। अगर तुम ऐसा सोचते हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। हमने देखा है सूरज निकलते हुए, शाम के वक्त चुपचाप ढलते हुए, तुम ना बदलोगे हम ये कैसे मान लें, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। Life sucks. भाभी मैम ने आपके सारे घमंड को चकनाचूर करके रख दिया। भैया आप वापस नल्ले हो गए। भैया मैं आपको सिंगर बनाऊंगा। भाभी जी आप हमको गायिका बनाएंगे? मैं आपके साथ एक एल्बम निकालूंगा और आपके साथ एक डुएट सॉन्ग गाऊंगा, हमारी जोड़ी सुपर हिट हो जाएगी। इसे विभूति अंगूरी को मिला के क्या बोलते हैं, विभूरी। जीना भी क्या है जीना तेरे होठों के बिना, शक्तियों को देख अचंभित हो जाता है कालिया। वातावरण में यह समय परिवर्तन कैसा? कालिया नाग का विष समाप्त हो रहा है, सुना है इसका कारण एक बालक है। कहीं वो बालक उस छड़ी विष्णु की माया तो नहीं? वो बालक उसका अंश है, तो उसका अंत निश्चित है, अभी और इससे क्षण। दुष्ट कालिया को परास्त कर विषैली हुई यमुना का उद्धार करेंगे कान्हा। वो हमारे लिए कुछ प्लान करे या ना करे, हमें तो उनके लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज सोचना पड़ेगा। इस साल का वैलेंटाइन्स डे रागिनी कभी नहीं भूले। हाँ फुआ, आप देख लेना, कल का दिन शिष्टी जी बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। कल का दिन वो हमेशा याद रखेंगे। हमारे बच्चों को देखो, वो जो है हमारे घर का संस्कार के खिलाफ जो है बिल्कुल नहीं जाते। हम तो कहेंगे कि ये जो शादी सुना छोड़ा है ना, उसको भी जो है अपना हृदय में रहना चाहिए। हाँ मैंने तो अमृत सर पर संस्कारों का टोकरा ही रख दिया, तो सृष्टि जी को बाहर ले जाना चाहते थे। क्या करने वाली हो वैलेंटाइन पर? अब पहले तुम बताओ तुम का तैयारी की हो? हमने विशु जी के लिए अपने हाथों से एक कार्ड बनाया है, अब ऐसे हम भी ना कुछ हो कुछ कमाल करने का सोच रहे हैं। कैसा? सब लोग यहाँ से अंगूठी यहाँ से, तो क्यों ना सगाई शुरू करें। ये तो बहुत टाइट है, कितना ऐसा तो नहीं भगवान इसी बार ना हमने ये सारा कर रहा हो, मने यो जो भी चल रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यो किसी की गलती ना से, यो तो भाभी ने जान पूछ के किया है। आप चाहते ही ना हो कि मारी सगाई हो जाए, इसीलिए ना आपने जान पूछ के यो हरकत करके मारी सगाई बिगाड़ दी।